नमस्कार, मैं हूँ सुरभि तिवारी और नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ प्लीज खेलिए होली, जैसे मैंने आज ही खोली पागलों वाली होली। वैसे आप मैं देख रहा हूँ अभी होली हम जला रहे हैं और उसके साथ ही आपने शुरू कर दी है। आपका पूरा प्लेट खाली हो गया, पहले एकदम भरा हुआ था। तो क्या कुछ मतलब आप पहले ही दिन इतना कलरफुल? अरे हमारी तो 15 माले की बिल्डिंग है, तो हम तो हमारे तो जब रात को जब होली दहन होता है तो एक्चुअली हम लोग की होली वहीं से शुरू हो जाती है। और ये हाँ मेरी प्लेट काफ़ी भरी हुई थी। हमने इस बार जो हमारे पूरे बिल्डिंग का जो फेडरेशन है, मेरे अंकल है वहाँ पे, उन्होंने मुझे सुबह सुबह 8:45 को फ़ोन किया सर कि इस बार हम लोग इको फ्रेंडली होली करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग लकड़ियाँ कम जलाएँ और गोबर के कंडे से हम होली खेलें, तो तुम करोगी क्या? तो ऐसा डरे, इको फ्रेंडली है तो मैं क्यों नहीं करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। सो ही केम विद अ बैग ऑफ पूरा गोबर का कंडा एंड ही सेड कि ये तुम्हारे लिए है और बिल्डिंग में जिनको भी जानती हो सबको दे दो। तो मैं तो लिटरली सबके दरवाजे बजा बजा के, बेल बजा बजा के सबको देकर आई हूँ कि हर एक फैमिली से अगर एक या दो भी होगा तो एटलीस्ट हम में ना वो एक आदत बन जाएगी हर साल इको फ्रेंडली होली खेलें। गाँव में आज भी है वहाँ पर ऐसा होता है। ओके, पहला गाना जो होली का आपको याद आता है, जैसे ही होली तो बैकग्राउंड में कौन सा गाना बजता है, कौन सा गाना? रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। इस गाने के बिना तो होली हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ऐसी होली जो हमेशा याद रह गई है आपको, उसके बाद मतलब ऐसी नहीं मनाई इसलिए याद है? टच वैसे तो मेरी सारी होलियाँ बहुत ही ऐसे पागलपन वाली होती है, लेकिन आई रिमेम्बर 2005 में वी हैव प्लेड अ होली इन वन ऑफ द फाइव स्टार होटल एंड आई हैड माय फैमिली, माय डैड, मॉम, माय सिस्टर, ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर, काफ़ी बहुत बड़ा गैंग था। तो वो होली भी बहुत अच्छी रही। एक्चुअली मेरी सारी होलियाँ अच्छी होती हैं, मतलब बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट है ये बोलना कि ये ज़्यादा अच्छी थी या वो ज़्यादा अच्छी थी। हम तो यूपी वाले हैं भाई, हम तो गुजिया खा के बिना भांग खाए तो हमारी तो होली होती है। भांग का कोई एक्सपीरियंस आपको याद है, क्या किया था बचपन में? आई रिमेम्बर गलती से ठंडाई में भांग की मात्रा ज़्यादा डाल दी थी एंड हम तो यूपी के हैं तो हमारे यहाँ तो बिना भांग के तो होती नहीं है। तो वो गलती से मैंने ग्लास ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, उसके बाद मैंने गलती से और मीठा खा लिया। और आप सभी जानते हैं कि भांग के बाद अगर आप मीठा खा लो तो वो और भांग का नशा चढ़ाता है। और उसके बाद से तो मुझे याद है आई थिंक एक आईना लेके मैं पूरे घर में घूम रही थी तो सारा दिन घूमी हूँ मैं तो वैसे थोड़ी सी पागलों वाली हरकतें ये है। ओके, होली में आप दर्शकों को आपका संदेश? देखिए इस बार जो गर्मी है वो होली के बाद जो गर्मी शुरू होती है वो अभी से शुरू हो गई है। तो हम सब कल होली खेल रहे हैं, मतलब आई नो अभी कोविड स्टिल हमारे सर पर है बट हम जो थोड़ी बहुत होली खेल रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप भांग मत करिए या आप अल्कोहल मत पीजिए एंड ऑल दैट, बट उसके साथ साथ बॉडी को हाइड्रेट रखना यानी पानी उतने ही मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ खूब पानी पीते रहिए बिकॉज गर्मी बहुत बढ़ गई है और होली का मज़ा लीजिए। ये तैयार किसने किया था आपको? खुद ही, मैंने खुद ही तैयार किया बट हाँ मेरे राखी ब्रदर ने मेरी बहुत हेल्प की है। और ये जो गजरा आप देख रहे हैं ये वो खुद लेकर आया है, यू नो अदरवाइज आई लव गजरा बट बहुत कम मौका मिलता है पहनने का। तो कलर कॉम्बिनेशन एकदम मस्त, माय राखी ब्रदर वाज ऑल विथ मी यू नो टू ड्रेप मी एंड कॉम्बिनेशन वगैरह सब करना। ओके, या तो ये खास तौर से राखी के लिए आपने राखी माफ कीजिएगा होली के लिए आपने तैयार किया था? यस। ओके, या तो बट मेरे तो ऑलरेडी कपड़े देखो खराब हो चुके हैं तो आई एम लाइक मेरा तो होली शुरू हो गया है, अब ये पता नहीं ये निकलेगा नहीं और कल और चढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली।